बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप वक्त पर देख सकें। 24 जमादी उस्तानी 1440 हिजरी बा मुताबिक 1 मार्च 2019 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान। जद्दा के 330 महलों में कारखाने कायम करने का फैसला। जद्दा ऐवान सनत व तजारत की सनती कमेटी के सरबरा इब्राहिम बतरजी ने बताया कि बड़े सनती शहरों पर दबाव कम करने के लिए जद्दा के 30 महलों में कारखाने खोले जाएंगे। इनकी बदौलत कारकुन खवातीन को हासिल होगी। रहायश के करीब कारखानों की मौजूदगी से इन्हें आसानी रहेगी। कारखाने इंडस्ट्रियल सिटी अथॉरिटी के मुकर्रर करदा स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे। ये मनसूबा आइंदा बरस नाफिज किया जाएगा। एक महल्ले में एक या दो कारखाने लगाए जाएंगे। हर इमारत 9 या 10 मंजिला होगी। हर इमारत में 5 अफराद की गुंजाइश होगी। ये कारखाने माहौलियाती सेहत पर अंदर असरअंदाज नहीं होंगे। मलबूसात सोने के जेवरात और पारचा बाफी वाले कारखाने होंगे। इनसे माहौल आलूदा नहीं होता। ट्रेन हादसे पर मिस्री सदर से सऊदी क़यादत का इजहार ताज़ियत। हादम हरमैन शरीफान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काहरा शहर में रमसीस ट्रेन स्टेशन में आग लगने पर भारी जानी व माली नुकसान पर मिस्री सदर अब्दुल फत्ता असीसी से तज़ियत का इजहार कर दिया। शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा कि हमें काहरा शहर में रमसीस ट्रेन स्टेशन पर आतशजदगी की खबर मिली। दुख हुआ इससे होने वाली अमवात का सुनकर अफसोस हुआ। मैं सऊदी अवामों हुकूमत और खुद अपनी जान से जानब से जान बहा होने वालों के आजा और मिस्री भाइयों से दिली हमदर्दी व तज़ियत का इजहार करता हूँ। शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बोस्निया के योम आज़ादी के मौके पर सदर व सऊदी अवामों हुकूमत और खुद अपनी जानब से मुबारकबाद दी। जबकि दोनों रहनुमाओं ने नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी को नए सदारती इंतहाब में कामयाबी पर मुबारकबाद के साथ नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सऊदी अरब 5G के इजरा का माहदा 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी। सऊदी मवासलाती कंपनी STC और स्वीडन की एरिसन ने सऊदी अरब में 5G नेटवर्क बिछाने का माहदा कर लिया। दोनों कंपनियों ने यह शराकत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील की है। सऊदी अरब में अपने काम की जरूरतें तेजी के साथ पूरे करने के लिए आलमी सतह पर अहम तकनीकी मरकज बनने के लिए कोशिश है। ममलकत ने मस्कुरा माहदे 5G नेटवर्क बिछाने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल होने के लिए भी किया है। ये डिजिटल तब्दीली की जहत में अहम कदीम साबित होगा। इसकी बदौलत सऊदी अरब के तमाम शोबे तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी से मरबूत हो जाएंगे। 2030 तक सऊदी मंडी का हजम 35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इससे सार्फिन और सरमायाकारों के शोबे फैजियाब होंगे। वजीर मवासलात अब्दुल्ला सवाहा ने बताया कि मोबाइल खिदमात के लिए व्यूज से 1000 मेगाबाइट से कहीं ज्यादा की रफ्तार 5G की बदौलत हासिल होगी। 5G नेटवर्क बिछाने का फैसला स्पेन में MWC में सऊदी अरब की शिरकत के मौके पर किया गया है। ये मवासलात के शोबे के माहरीन अहदेदारों का सबसे बड़ा इज्तिमा माना जाता है। सऊदी अरब को इससे बहुत सारे फायदे होंगे। मशरकी वस्ता में इससे टेक्नोलॉजी को मुसर करने वाला पहला मुल्क सऊदी अरब होगा। इससे रोबोट स्मार्ट स्टेज और इंटरनेट पर मनहसर तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुलेंगे। अलहबर को 2018 के दौरान मशरकी वस्ता में 5G नेटवर्क आजमाने वाले पहले शहर का एजाज हासिल हुआ। तो है कि ममलकत में IoT के 45 मिलियन इंटरनेट इसकी बदौलत तेज रफ्तार होंगे, जिससे 2030 तक 12 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत की मार्केट बनेगी। ईरान शिया फिरके का ताजर है, पासवान नहीं अमाराती स्कॉलर अन्नईमी। मुतहदा अरब अमारात के स्कॉलर डॉक्टर सुल्तान अन्नईमी ने दावा किया कि ईरान शिया फिरके का पासवान नहीं, वो शिया फिरके के नाम पर कारोबार कर रहा है। ईरानी अहदेदारों के बयान में जमीनी हकायक से मैल नहीं खाते। वो अल एहसास अदब क्लब के जेर अहतमाम मुनदा प्रोग्राम में लेक्चर दे रहे थे। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि ईरान पड़ोसी ममालक में मुदाहलत का वतीरा अपनाए हुए है। वो सियासी मकासद के लिए फिरका वाराना नारों का सहारा ले रहा है। अब यूरोपीय ममालक में भी ईरान की दहल अंदाजियों से मुतासर होने लगे हैं। अंदरून मुल्क अवाम के हकूक की अमालियों जेलों में तशद्दुद खवातीन के साथ इंसाफी मौत की सजाओं में इजाफे और मजहबी अकलियतों के साथ बदसलूकी के वाकयात हर
हर कसो नाकस के लिए तशवीश नाकस बायस बन रहे हैं। नईमी ने कहा कि कई लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के हुक्मरान शिया फिरके के सरपरस्त हैं। ये बात जमीनी हकाक से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हकीकत यह है कि शिया फिरके को बुनियाद बनाकर सियासत कर रहे हैं। तहरीक हकाक भी ईरान के हुक्मरानों के खिलाफ जा रहे हैं। हित्ते की पूरी तहरीक बता रही है कि शिया और सुन्नी फिरके के लोग एक दूसरे के साथ चैन सुकून के साथ नहीं रहते। शिया सुन्नी फिरकों के दरमियान तफरीक का फितना ईरान के हमीनी इनकलाब ने 1979 में बरपा किया। अनिमी ने हाजरीन से कहा कि वो अपने तौर पर सोचे कि क्या ईरान के हुक्मरान अरबों के साथ इनकलाब की आंख से देख रहे हैं या रियासत के चश्मे से। इनका जवाब जानने के लिए इराक, बहरीन, लिबनान और यमन में मलेशियाओं के क्याम और इनकी सरगर्मियों को देखकर हासिल किया जा सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि खलीजी ममालिक ईरान के साथ हुस्न हमसायगी के वहाँ जबकि ईरान का वाहिद नस्बल ऐन अपने असरों रसूख को बढ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने गजा में फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल हमलों की मजम्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने गजा में फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी। तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंसानी हकूक कौंसल को पेश कर दी। चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि कमीशन समझता कि इसराइल फौजियों ने गजा में फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन के साथ बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इनकी बाज खिलाफ वर्जियाँ जंगी जराइम और इंसानी सोच जराइम के दर्जे की हैं। इन्होंने इसराइल से इन खिलाफ वर्जियों की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। कमीशन ने जुमरात को रिपोर्ट जारी कर दी जिस पर जिनेवा में इन दिनों मनकदा इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में बहस होगी। अरब लीग ने कमीशन की रिपोर्ट का हर मुकदम करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट इंसानी हकूक के बैन अल-अक़वामी के अदल की आईनादार है। मुआवन सेक्रेटरी जनरल सईद अबू अली ने आर्मी बरदारी से अपील की कि वह फ़लस्तीनी और इनके मकामात मुकदसा के खिलाफ जराइम के जिम्मेदार अनासर का एहतसाब करे। फ़लस्तीनी वजीरत हाजा ने लामिया जारी करके तवज्जो दिलाया कि इस इसराइली अफवाज ने फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ किया वह गैर कानूनी था। रिपोर्ट काबस अकाम के जराइम पर एहतसाब की जहत में अहम कदम है। अक़वामे मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल हमलों की मजम्मत कर दी। पाको हिंद के मोहतमर फंस गए, सऊदी अरब की मेजबानी में होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी, फजाई सरहदें बंद होने और पाकिस्तानी फजाई हदूद में परवाजों के दाले पर बंदिश के बाद पाको हिंद के मोहतमर सऊदी अरब में फंस गए। सऊदी हज उमरा कौमी कमेटी ने उमरा कंपनियों व इदारों के तामन से हजारों आजमीन की मेजबानी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हज उमरा कौमी कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद बिन हादी ने बताया ने सबक से गुफ्तगु में कहा कि हजारों हिंदू पाकिस्तानी मोहतमरीन की मेजबानी वजारत हज के साहिबान तले की जा रही है। इस सिलसिले में उमरा कंपनी व इदारों से राबते कर लिए गए हैं। दोनों ममलकों के मोहतमर मामूल की परवाजों से सफर न करने के बाद इस्तेशनाई हालात से दोचार हो गए हैं। इनकी मुश्किल का एहसास करके इनकी मेजबानी का फैसला किया गया। पाको इनके दरमियान हंगामा आरई की वजह से परवाजें बंद हो गई। ममलकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मार्किट $12 अरब। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला सवाहा ने बताया कि सऊदी अरब में रवायती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मार्केट का हजम $12 अरब तक पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी की मार्केट ने $10 अरब कमाकर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरह नमो का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इन्होंने स्पेन में मनकदा मोबाइल आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा कि ममलकत ने डिजिटल इकनॉमी में तब्दीली की शाहरा का बड़ा सफर तय किया कर लिया है। रियासती इदारे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे हैं। सोबियाना खरीदने का मशवरा। सऊदी FTA ने सड़कों पर फरोख्त किए जाने वाले सोबिया से मतलब बयान जारी करके बताया कि रेडी वाले जो सोबिया फरोख्त कर रहे हैं वो सार्फिन की सेहत के लिए मजर हैं। इनकी पैदावार मतलूबा तरीके से नहीं हो रही। इसे फरोख्त करने के तौर तरीके भी गैर मयारी हैं। तहफ़ सार्फीन अंजमन ने मकामी शहरियों को रेडी वालों से खाने पीने की अशिया खरीदे हुए के सिलसिले में 5 मशवरे दिए। अंजमन का कहना है कि सामान फरोख्त करने वाले के पास हफजान सेहत का सर्टिफिकेट हो, सफाई पसंद हो, दस्ताने पहने हुए हों, सर के बाल ढके हुए हों और खाने पीने की अशिया की तैयारी में साफ सुथरे आलात का इस्तेमाल कर रहा हो। ये इत्मीनान हासिल करना जरूरी है।
राज्य बैंक की सर्विस जज्वी तौर पर मुअत्तल। राज्य बैंक ने खातेदारों के हवाले से बाद हिदमात के जज्वी तौर पर मुअत्तल होने का एतराफ कर लिया। राज्य बैंक ने बताया कि तातल की असलाह हंगामी बुनियादों पर की जा रही है। खातेदार बाज ऑपरेशन ATM के जरिए कर सकते हैं। बैंक मोबाइल सर्विस से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। ममलकत ने ट्रंप का दबाव मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल के तवील मियाद सौदे 2% ज्यादा नरहों पर तय पा गए। हालात तो को अमेरिका के पेट्रोल जखायर में कमी और सऊदी अरब की जानब से अमेरिकी सदर का ट्रंप का दबाव कबूल न करने की वजह से पेट्रोल के नरहों में 2% इजाफा हो गया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब से मुतालबा किया था कि वो पेट्रोल के नरहों में इजाफे से OPEC ममालिक को रोकने का अहतमाम करे। सऊदी वजीर तवानाई हालद अल फालेह ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि OPEC और इसके इतिहादी मामलों को नहायत मामूली अंदाज में ले रहे हैं। वो ट्रंप के इस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने OPEC से कहा कि वह आम पेट्रोल की पैदावार पर पाबंदियों में तख़फीफ करे। सऊदी बैन अल-अक़वामी एयर शो 12 मार्च को होगा। सऊदी एयर क्लब ने सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी की शिरकत से 12-14 मार्च रियाज में पहली बैन अल-अक़वामी सऊदी फजाई नुमाइश मुनक़द करने का ऐलान कर दिया। ये नुमाइश अस्तमामा फजाई क्लब में मुनक़द होगी। नुमाइश 1,00,000 मुरबा मीटर के रकबे पर लगाई जाएगी। 80 से ज्यादा तैयारों की गुंजाइश होगी। 500 से ज्यादा मुकामी और बैन अल-अक़वामी स्टॉल नसब किए जा सकेंगे। 2 से ज्यादा अदारों के नुमाइंदों 10,000 से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। मोबाइली ने नेट तजर्बा मुकम्मल कर लिया। मोबाइली ने मसनूई जहानत एप्लीकेशन में मावन नेटवर्क के इस्तेमाल का तजर्बा मुकम्मल कर लिया। ये काम एरिक्सन कंपनी के तामस से अंजाम दिया गया है। तजर्बे से साबित हुआ कि 5G और 10T इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसर है। इंजीनियर मोहम्मद अबू दोमा ने, जो मोबाइली के चीफ एग्जीक्यूटिव मैन है, कहा कि इनकी कंपनी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी वर्जन 2030 के तहत मुल्क में ला रही है। एरिक्सन कंपनी की चेयरमैन पर्सन बरए मशरक वस्ता व अफ्रीका राफिया इब्राहिम ने कहा कि हफ्ते में डिजिटल तब्दीली की रफ्तार तेज है। हम अपने शुरुआत का कारोबार को जदीद तरीन तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के पाबंद हैं। सियाहती अदारों में 73% रेस्टोरेंट। महकमा शुमारियात ने बताया कि सऊदी अरब में कुल सियाहती अदारों में 73% का ताल्लुक रेस्तरानों और गवाहानों से है। 13% सियाहती अदारे सयाहों को रिहाइश फराहम कर रहे हैं। रेलवे सहूलत की शरह 1% से ज्यादा नहीं। महकमा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017 के दौरान 2016 के मुकाबले में सियाहती सरगर्मियों में 2% का इजाफा हुआ। मेकअप फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी FDA ने मेकअप मसनूआत के कारखाने को मुकर्रर ज़वाबत की पाबंदी न करने पर बंद कर दिया। सऊदी FDA के अहलकार मशरकी रीजन में मेकअप मसनूआत के कारखानों में छापा मुहिम चलाए हुए हैं। इसी दौरान मजकूरा खिलाफ वर्जियां सामने आई थी। महकमा ने कारखाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी। मजीद सामियों को सऊदाइजेशन मुकम्मल यकम शबान से। तजारती मराकज, बाजारों, निजी अंजमनों, सियाहती अदारों और होटलों की सऊदाइजेशन पर अमल दरामद यकम शबान 1440 हिजरी से होगा। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद अहमद राजही ने अमल दरामद का फैसला कर दिया। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट के साथ खास तौर पर तालमेल पैदा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस कानून के मुजब जो असामियां सऊदियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, इनमें छोटी गाड़ियों के ड्राइवर, वेटर्स, सेंटर सिक्योरिटी अमला, डेटा ऑपरेटर, दफ्तरी क्लर्क, सेक्रेटरी, खदमात आमा का इंचार्ज, रूम सर्विस इंचार्ज, अमन व सलामती, इसलाह मरम्मत का इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज, सियाहती प्रोग्रामों का इंचार्ज, इस्तकबाल दफातर का इंचार्ज, लेबर इंचार्ज, क्लर्क इंचार्ज, मार्केटिंग एंड सेल्स का नुमाइंदा, अफरादी कुवत का इंचार्ज, परचेज अकाउंट, सलामती अमूर का सर्टिफिकेट, इंसानी वसाइल का माहिर, मार्केटिंग का नुमाइंदा वगैरह शामिल है। वजारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब के हवाले से जारी शुदा करारदादों की भी पाबंदी कराई जाएगी। तो नाजरीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।